हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से आपको? जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज, मैंने सुन ली है। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे टॉप 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है। ये क्लास मैंने इस तरीके की क्लास, जो टॉप 100 एमसीक्यूज की क्लास होती है, आई थिंक मैंने बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब जब मैंने स्टडी आईक्यू को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मैंने ली थी टॉप 100 एमसीक्यूज की क्लास। तो मतलब 2 या 3 साल बाद मैं ये क्लास दोबारा से ले रहा हूं। दोबारा से कहने का मतलब ये है, इस सीरीज को दोबारा से ले रहा हूं टॉप 100 एमसीक्यूज की। और इस बैच में, इस क्लास में मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे आज, और आने भी चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आपके ऐसे करवाए हैं कि आपको मजा आ जाएगा इन क्वेश्चन को करके। ठीक है। कोशिश ये करना, जैसे आपको क्वेश्चन दिखे आप आंसर देना, लेकिन आज एमसीक्यूज के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको बहुत ध्यान से सुनना है। चाहे आप पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मेरे यूट्यूब से स्टूडेंट हैं, कहीं से भी स्टूडेंट हैं, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से समझ के करना है। ठीक है। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्लास शेयर कर दीजिए सबके साथ। रीजन भी क्योंकि मेरी बहुत एफर्ट है इस क्लास में, और मैं चाहता हूं आज के क्लास में मिनिमम टू मिनिमम 1,000 बच्चा लाइव आए। मैंने कभी आपको ये कहीं कहीं कभी भी नहीं कहा, किसी मैराथन सेशन में नहीं कहा, किसी लेक्चर में नहीं कहा, लेकिन आज मैं खुद चाहता हूं कि इस बैच में मिनिमम टू मिनिमम 1,000 स्टूडेंट जो है हमें लाइव दिखना चाहिए यहाँ पे। सो गाइज, जहां से भी आप शेयर करना चाहते हैं, जहाँ शेयर करते हैं आप कर दीजिए, और इस क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। यस, ग्रेट। ठीक है। ओके, तो इस सीरीज में मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि सर आज आप जो है सेट नंबर 1 लेके आ रहे हैं और सेट नंबर 2 कल ही ले आइए, सेट नंबर 3 परसों ले आइए। नहीं, मैं टाइम मैंने मेरे दिमाग में है, आज सेट नंबर 1 आएगा, जो आने वाला मंडे होगा सेट नंबर 2 उस दिन आएगा। आपको क्लियर हो गया? सेट नंबर 2 जो होगा वो उस दिन आएगा, मंडे को आएगा। ध्यान रखना, दिमाग में लगा के रखना। और बाकी तो जहां पे आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पे ये चीज आपको मिल जाएगी कि हाँ ये आज क्लास अपडेट हो रही है। लेकिन मेरे माइंड में जो है इसका सेट नंबर 2 जो होगा वो हम मंडे की क्लास मिलेंगे, तो ध्यान रखना, क्लियर होना चाहिए ये चीज आपके दिमाग में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। तो जो है हमारा सेट नंबर 1 मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें प्योर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, सेट नंबर 1, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं जी आगे इस सेशन में। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको किए जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल वगैरह ये सारे हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, मेरा एक पेड कोर्स आता है जिसमें अगर आज की सीरीज आपको पसंद आती है तो आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। आज की सीरीज क्या, कोई भी क्लास आप मेरी पुरानी देख लीजिए, जिसमें आपको हिस्ट्री के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैंने डिस्कस करवाए हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के साथ मॉक टेस्ट यहां पे दिए जाते हैं। मॉक टेस्ट जो है हमारा मतलब कल सैटरडे है, तो कल मॉक टेस्ट भी होगा उसमें। तो ये सारी चीजें जो अवेलेबल होती हैं वो 10,000 एमसीक्यू कोर्स में है। और इस कोर्स के अंतर्गत जो है आप एक कोड लगा लेना VIP फ्लैश, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और ये कोर्स बहुत ही माइनर प्राइस का है, आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट कल आएगा, सैटरडे को अपलोड होता है यहाँ पे। सारी चीजें अपलोड कहां पे होती हैं, हमारे डॉक्टर विपन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े होते हैं। आप मुझे फेसबुक के ऊपर, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई पेपर हो, डाउट हो, ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करो पहले खुद आंसर देने की और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना। यस, चलिए जी। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी 1613 में कहां पे लगाई थी, ये क्वेश्चन है आपका। यस,
अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है 1613 में कहां पे लगाई थी। देखिए इसके पीछे एक कहानी बहुत ज्यादा बड़ी है, वो कहानी समझने की जरूरत है आपको। कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, अंग्रेजों की बात करता हूं, आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी थी 1599 में, भारत में आई थी 1600 में। ये क्लियर है आपके दिमाग में, ये क्लियर है, सबको पता है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पे लगाई थी, 1608 में लगाई थी, एंड दैट वाज इन द मसूलीपट्टनम। और ये मसूलीपट्टनम कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, एंड इट वाज ए टेम्परेरी, मतलब ये टेम्परेरी जो है आपकी एक फैक्ट्री थी, टेम्परेरी फैक्ट्री थी ये, ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री लगा ली है। परमानेंट फैक्ट्री तो इन्होंने 1613 में लगाई थी। अब क्या होता है, 1608 में जो आपके ब्रिटिशर हैं जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये परमिशन लेने जाते हैं। परमिशन लेने किसके साथ कहां पे जाते हैं, जहांगीर के दरबार में। क्लियर, जहांगीर एक ऐसा राजा है जो शराबी है, टुन्न रहता है, पूरा शराब पीता है, अच्छी खासी शराब पीता है। तो ये विलियम हॉकिंस इसके लिए शराब बहुत सारी चीजें, क्योंकि बाहर से आया तो भाई विलैती, विलैती मतलब अंग्रेजी, ठीक है, तो ये बैठ के दोनों पिएंगे। और जहांगीर विलियम हॉकिंस, जहांगीर जो है वो विलियम हॉकिंस को इतना पसंद कर लेता है कि भाई तू मेरे दरबार में रहेगा, मेरे को दारू पिला, मेरे को ये कर, मेरे को वो सब चीजें प्रोवाइड करा जो अंग्रेजों की, तुझे क्या वहां क्या तुम्हें मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, तुम यहां पे आओ और यहां पे आके जो है काम करो, पैसा देंगे हम आपको, बिजनेस देंगे, सब चीजें करेंगे। और इसको जो उपाधि दे दी, डेट इज इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, ठीक है, परमिशन तो मिली नहीं, अपने दरबार में ही रख लिया कि हाँ भाई तू आ और यहां पे काम कर और बाहर से चीजें लेके मुझे दे, सैलरी भी ले और जो भी चीजें तुझे चाहिए यहां पे दरबार में आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया, तो ये मिलती हैं। अब 1608 में परमिशन नहीं मिले इनको, लेकिन अब फैक्ट्री की बात आ गई, पहली परमानेंट फैक्ट्री बात जब बात करते हैं 1613 में, तो वो मिलती है किसको, सूरत में लगाई जाती है। पहली बात तो ये तो क्लियर है सबके सामने कि सूरत में लगाई जाती है, लेकिन इसकी परमिशन लेता कौन है, थॉमस रॉय। थॉमस रॉय को परमिशन मिलती है फैक्ट्री लगाने के लिए कहां पे, सूरत में। क्लियर, थॉमस रॉय को परमिशन मिल जाती है और इसको बेचता कौन है, किंग कौन बेचता है, जेम्स वन इसको बेचता है थॉमस रॉय को, भाई परमिशन लेके आ, वो तो वहीं पे रह गया, तुम परमिशन लेके आनी पड़ेगी तुम्हें, और परमिशन लेके आते हैं और सूरत में फैक्ट्री लग जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, यस बिल्कुल सही। अब एक पॉइंट और है, याद करो इस क्वेश्चन के पीछे, फिर दोबारा आते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन के पीछे दोबारा फिर आएंगे। अब पहले सूरत में फैक्ट्री कौन लगाता है, पोर्तुगीज, पोर्तुगीज फैक्ट्री लगाते हैं पहली बार, दैट इज इन द सोले, सोले नियर सूरत, सूरत के नजदीक पहली फैक्ट्री जो है पोर्तुगीज लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, यस क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। और पोर्तुगीज जो है आपके सूरत में प्रॉपर तरीके से मोनोपोली बना के बैठ जाते हैं कि हाँ मोनोपोली है जी हमारी, तो आज मोनोपोली है, मतलब अब हम अपना काम खुद करेंगे। फिर अंग्रेजों का एक राजा, अंग्रेजों का कैप्टन आता है कैप्टन बेस्ट, वो क्या करता है, इसकी सारी मोनोपोली को तोड़ देता है, मतलब पोर्तुगीज की मोनोपोली तोड़ दी, अब तेरी कोई मोनोपोली नहीं है, अब तो जो चीज होगी वो सामने सामने की बात है, सब बिजनेस करेंगे, सब ट्रेड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। तो इसी तरीके से आपकी ये फैक्ट्री जो लग जाती है, दैट इज द सूरत में फैक्ट्री लग जाती है अंग्रेजों की पहली बार। सो दिस वाज इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। एक ऐसे एक तथ्य मैं आपको बता देता हूं, जो हुगली है ना, हुगली का पोर्ट है, ये पोर्तुगीज जितने भी ट्रेड वगैरह करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे, ये यहां से करने लग जाते, मतलब यहां से करते थे। गोवा पोर्तुगीज की कैपिटल बनी थी, ठीक है, एक हम आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पोर्तुगीज का एक गवर्नर था जिनका नाम था एल्बुक्यूर्क्यू, और उन्होंने जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर से जीता था गोवा, और गोवा परमानेंट कैपिटल उनकी बन गई थी, और हमने गोवा को आजाद करवाया था 1961 में, हमारे आजाद भारत की सबसे लास्ट स्टेट जो आजाद हुई थी डेट वॉज गोवा, एंड गोवा को जब आजाद करवाया था, एंड डेट वॉज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, समझ आया, ये याद रखना है आपको। अमरकोट में
अमरकोट में क्या हुआ था, बताओ बताओ बताओ, अकबर का जन्म हुआ था। क्लियर, अकबर का जन्म। चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आंसर दीजिए, शाबाश, बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द, एक मेरी चेन कहां गई, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द, यस ये यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश मतलब सुप्रीमेसी है, मतलब अंग्रेजों ने अब रूल करने वाले हैं यहां पे, तो कौन है यहां पे, कौन है ऐसा राजा, मतलब कौन सी ऐसी वॉर थी जब देखने को आपको मिली थी। अब एक्चुअली सीन क्या था, ब्रिटिश सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें, जब पॉलिटिकल पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की अगर मैं आप बात करूं, जब पॉलिटिकल होल्ड अंग्रेजों का आ गया कहां पे, दैट इज इन द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध में। समझ आया, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। अब ये 1757 में ये जो आपका मतलब लड़ाई हुई थी, इसका रीजन क्या था पीछे, इसका रीजन ये था, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, समझ आया, एंड दैट वाज हैपेंड इन द 1756। उस टाइम पे बंगाल का जो नवाब था, दैट वाज सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, समझ आया आप लोगों को। ये जो सिराजुद्दौला है, इसने दस्तक राइट दिए हुए थे, दस्तक राइट्स, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दस्तक राइट्स, ये दस्तक राइट्स वो राइट्स होते हैं जब ये कंपनी को मिले हुए थे, ना कि अंग्रेजों को मिले हुए थे, कंपनी को मिले हुए थे। कंपनी क्या करती थी, कंपनी क्या करती है, इसको दस्तक राइट मिले कि ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, कोई भी बिजनेस करेगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। समझ आया, कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं होगा, पॉइंट नंबर वन। अब इस दस्तक राइट का ये मिला था कंपनी को, लेकिन जो अंग्रेजी लोग हैं, अंग्रेजी हुकूमत के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं, वो इसका मिसयूज करने लगे, जिसके कारण सिराजुद्दौला को जब पता लगा तो इसने क्या किया कि ये कासिम बाजार से कलकत्ता में जा रहा था और वहां से इनके सोल्जर्स को पकड़ा और काल कोठरी में बंद कर दिया और वहां पर यह ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है। और उस टाइम पे अंग्रेजों का जो गवर्नर था, दैट वॉज रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव इस चीज का बदला लेना चाहता है, ये रॉबर्ट क्लाइव बदला लेता है सिराजुद्दौला से, और कौन सी लड़ाई में, आपकी प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में विजय हासिल हो जाती है। क्यों विजय हासिल हो जाती है, क्योंकि जो मीर जाफर है, मीर जाफर जो है वो इसका कमांडर है सिराजुद्दौला का, वो किसके साथ मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और सारे सेना के राज बता देता है। अगर आपसे पेपर में पूछा, चलो ठीक है ये राज बता दिया और ये हार गया, अगर आपसे पेपर में पूछा कि ये बताइए सिराजुद्दौला के कमांडर कौन कौन से थे, एक तो मीर जाफिर था और एक था राय दुर्लभ और एक था लातिफ खान, ठीक है, ये दो और थे, यानी कि टोटल तीन लोग थे। ये पॉइंट समझ आया, राय बहादुर, लातिफ खान एंड मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ जुड़ गया और रॉबर्ट क्लाइव के बाद सारी बातें बताई और सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और फिर बाद में मीर जाफर को ही नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। पॉइंट समझ आया, जब नवाब ऑफ बंगाल बनाया तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर की जो कंसोलिडेशन की जो पहली बात आती है, सुप्रीमेसी की बात आती है, पॉलिटिकल डोमिनेशन की बात आती है, वो यहां से स्टार्ट होती है, दैट इज इन द बैटल ऑफ प्लासी के साथ। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आपकी, आपके दिमाग में। अब मीर जाफर बिठा दिया, गद्दी पे बैठ गया, लेकिन अभी भी टिकता नहीं है। अब मीर जाफर ने क्या किया, मीर कासिम को जो राजा बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर कासिम जो है ना वो आगे इसका भी गुरु है, किसका गुरु है मीर कासिम, किसका गुरु है मीर कासिम, गुरु है अगेन मीर जाफर का। कहता कि मैं तो जैसे सिराजुद्दौला ना, मैं कोई ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आने वाला। मीर कासिम क्या करता है, ये नवाब ऑफ अवध, अवध का जो नवाब है जिसे हम कहते हैं शुजादुल्ला, ठीक है, उसके साथ मिलता है और ये मिलता है आपका मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ, मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ मिलता है और अंग्रेजों के साथ लड़ाई करता है, कौन सी, बैटल ऑफ बक्सर की, एंड बैटल ऑफ बक्सर जो हुई है 1764 में लड़ाई हुई थी। क्लियर हो गया आपने के दिमाग में। अब ये तीनों लोग हार जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई में। बैटल ऑफ बक्सर में जो है हेक्टर मुनरो,
जो है लड़ता है और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की साइड से जो है आपका जीत जाता है। अब बात यहां पे ये आती है पॉलिटिकल डोमिनेशन यहां पे सुप्रीमेसी यहां पे आ गई। अब तो पावर इनकी ही है, बैटल ऑफ बक्सर जीता, अब पावर इनकी है, किनकी? अंग्रेजों की पावर है। पॉइंट समझ आया? और दूसरी बात अगर हम बात करें, बैटल ऑफ बक्सर जब जीती और अलाहाबाद की संधि साइन हो जाती है, अलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में, जिसके अकॉर्डिंग जो है भारत देश में ड्यूअल गवर्नमेंट बन जाती है, और बनाता कौन है ये? रॉबर्ट क्लाइव बना देता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को। इंडिपेंडेंस ऑफ, ये तो पता है 1857 का स्ट्रगल क्यों था भाई, सबसे इमीडिएट कॉज क्या था, इंस्टेंट कॉज क्या था, चर्बी वाले कारतूस, दैट इज एनफील्ड राइफल्स, काउ एंड पिग की चर्बी लगी हुई थी, दैट इज मीट लगा हुआ था। थर्ड मैसूर वॉर ये हुई थी आपकी 1790-92, जिसमें टीपू सुल्तान को हराया गया था, अंग्रेजों ने हराया था, और यहां पे श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी, और श्रीरंगापट्टनम जो है वो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, वहां पे टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया हुआ था, और टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, दैट वाज अ फ्रेंच क्लब, क्लियर। और टीपू सुल्तान को मारा कब किया गया था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में मार दिया गया था, किसके द्वारा? आर्थर वेलेसले द्वारा। समझ आया? सो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। तो इस तरीके से जो है, ये तो थर्ड एंग्लो मैसूर की बात आ रही है, बट अदरवाइज ब्रिटिश कंसोलिडेशन इस तरीके से आपको देखने को मिला था। चलिए जी आगे बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश, समझ आ रहा है तुम लोगों को? समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वॉटर पॉलिसी? अब क्वेश्चन आ गया ब्लू वॉटर पॉलिसी के ऊपर। यस, ब्लू वॉटर पॉलिसी की बात किसने करी थी? शाबाश जी, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? जब भी ब्लू वाटर आ जाए, जब ब्लू वर्ड से कहीं से भी कुछ भी वर्ड आ जाए, तो दैट मीन्स रिलेटेड विद द ओशंस, ओशन के साथ संबंधित है, ओशन की चीजें संबंधित हैं, क्लियर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि अगर आपने समुद्र के ऊपर कंट्रोल कर लिया, समुद्र को आपने जीत लिया, तो दैट मीन्स आपने पूरा विश्व जीत, मतलब पूरा क्या है, उस एरिया को जीत लिया, नेवल सुप्रीमेसी आपकी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? और इस ब्लू वाटर पॉलिसी को किस कौन कनेक्टेड है? दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, क्लियर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये कौन है? पोर्तुगीज गवर्नर है, पोर्तुगीज गवर्नर, और इसने ये पॉलिसी दी थी, और ये पहला गवर्नर था पोर्तुगीज का। उसके बाद दूसरा आया था एल्बुक्यूर्क्यू, मैंने आपको बताया था ना एल्बुक्यूर्क, यू नो ना, बस समझ गए ना, एल्बुक्यूर्क, ठीक है। अब ये एल्बुक्यूर्क्यू जो, मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं, एल्बुक्यूर्क्यू, क्लियर, एल्बुक्यूर्क्यू जो है ये सेकंड था आपका गवर्नर आरबीआई, सेकंड गवर्नर था पोर्तुगीज का, जिसने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था 1510 में, और गोवा को कैपिटल बना लिया था, और गोवा फिर बाद में परमानेंट किसकी हो गई थी आपकी? दैट वाज द पोर्तुगीज की जो है कैपिटल बन चुकी है। समझ आया आप लोगों को? समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर। और ड्यूप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर है, रॉबर्ट क्लाइव आपको मैंने बता ही दिया था, दैट इज गवर्नर ऑफ किसका गवर्नर था? ये अंग्रेजों का, ठीक है, और पहला गवर्नर था, क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, अल्मेडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, अब देखिए जी, डेक्कन वाला एरिया क्या आ गया? साउथ वाला एरिया आ गया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से बिल्कुल साउथ इंडिया तक का आ गया। तो डेक्कन एरिया में जो फ्रेंच है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए थे? यस, बताइए, एक्चुअली रीजन क्या था? आपको याद होगा एक वॉर ऑफ सक्सेशन था, दैट इज ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। इसके चलते चलते, क्योंकि ये अंग्रेजों और फ्रेंच की लड़ाई चलती रहती थी, इस लड़ाई के चलते चलते क्या हुआ था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन में, फ्रेंच लोग जो हो गए कमजोर, उनकी नेवी होगी कमजोर, और
अंग्रेज जीतते चले गए। अब अंग्रेजों के जीतने का कारण क्या था, प्लस क्या कारण था? पहली बात तो पैसे बहुत थे, फंड बहुत थे, दूसरा गवर्नमेंट की बैक थी कि भाई ठीक है, तीसरा लोग थे उतने, मरने के लिए भी मारने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तो मतलब उनकी पॉपुलेशन, मतलब जो सेना है वो कमजोर नहीं है, कम नहीं है। समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल सही, फंड्स की कमी नहीं थी, सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर थे, ऑब्वियसली बात है अंग्रेज जो है सुपीरियर है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये वो सब चीजें तो अंग्रेजों के फेवर में जा रही है, तो फ्रेंच आपके कमजोर हो गए। सो दैट्स व्हाई जो फ्रेंच है वो डेक्कन में अपना सिक्का क्यों नहीं जमा पाए। यस, सिक्का क्यों नहीं जमा पाए? आप ये नहीं कहेंगे कि उनके पास कैपेबल जनरल नहीं थे, आप ये कहेंगे कि अंग्रेजों की जो है स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसके कारण जो है वो विफल हो गए और वो सफल नहीं हो पाए। तो कौन नहीं सफल हो पाया? फ्रेंच सफल नहीं हो पाए। पहली बात तो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, अगेन ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन में फ्रेंच आर्मी को तोड़ दिया, अंग्रेज फिर आगे आगे सुपीरियर हो जा रहे हैं, सुपीरियर हो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका फ्रेंच खत्म ही होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बता दो, अगला क्वेश्चन बता दो। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वीडी सावरकर जी, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर एक मूवी भी आ रही है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, विनायक दामोदर सावरकर जिसको लीड रोल कौन कर रहे हैं, रणदीप हुड्डा आई थिंक, ठीक है, तो वीडी सावरकर की मूवी भी आ रही है, तो वही केस है, वीडी सावरकर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। नंबर वन, ही फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी, दैट इज ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, अभिनव भारत सोसाइटी जो है विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई थी, बिल्कुल सही है ये पॉइंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंस्पायर द इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मज़िनी, जो इटली का करता धरता है, ठीक है, बिल्कुल सही कि इन्होंने हमारे भारत देश के अंदर रेवोल्यूशन को जगाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए मज़िनी की बायोग्राफी लिखी थी, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट देखो, ही ऑल्सो ऑथर्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच प्रोवाइड्स ए नेशनलिस्ट व्यू ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857, बिल्कुल सही है पॉइंट कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट इज बीडी सावरकर जी द्वारा। चौथा पॉइंट देखिए, ही जंप्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी, एक्चुअली क्या है, जो वीडी सावरकर जी को जब जेल में पकड़ लिया गया था, मतलब इनको ब्रिटिशर द्वारा पकड़ा गया था, तो जब ये समुद्र के रास्ते से जा रहे थे तो इन्होंने अपने दोस्तों को बोला हुआ था, पीछे अपने लोगों को बोला हुआ था कि इसका पीछा करते रहें कि मैं यहां से छूट के जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, वो समुद्र में छलांग मार देते हैं, बट ऑब्वियसली बात है आपको पता है कि ब्रिटिशर्स भी कोई कम नहीं है, तो जब वो छलांग तो लगा देते हैं लेकिन पीछे से ब्रिटिशर दोबारा से उनको पकड़ लेते हैं, तो ये उनकी कैद से छूट नहीं पाते, पॉइंट समझ आया? सो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, तो मतलब क्या हो गया, सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही है, 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3, 4, नंबर 1 इज द करेक्ट 1, समझ आया? चलिए ये है जी वीडी सावरकर जी, प्रॉपर इसी तरीके से रणदीप हुड्डा बने हैं उस मूवी के अंतर्गत। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले करेंगे और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा एक पेड कोर्स लॉन्च हुआ है, दैट इज जीए लाइव कोर्स, और वो जीए लाइव कोर्स जो है स्टडी आईक्यू की ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उस ऐप के अंतर्गत आपको जस्ट लॉन्च के बटन में जाना है, तो यहां पे आपको जीए लाइव कोर्स दिख जाएगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा हमारा 25th of August को, क्लियर, और इसमें सिलेक्शन बैच है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना है इसके अंतर्गत, और इस बैच में 300+ लाइव आवर्स, 5 दिन हफ्ते में क्लास होगी, 6ठे दिन डाउट सेशन होगा, 7वें दिन टेस्ट होगा आपका, हर लेक्चर के नोट्स पीडीएफ्स वगैरह सब मिलेंगे, और 2500+ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा जब आप पूरा एक चैप्टर पढ़ लेंगे, समझ आया? तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं हमारी स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, क्लियर, स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा, तो ये मेरा एक जो कहते हैं ड्रीम
जो कोर्स है पहला, दूसरा क्योंकि आप लोगों की बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर ऐसा कोर्स आप लाइव लेके आइए जिसमें हम आपसे लाइव पढ़ सके, प्रॉपर वन टू वन बात भी कर सके, आप हमें गाइड भी कर सके, तो वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है ये किसके द्वारा सेटअप करी गई थी? यस, अनुशीलन समिति जो है ये स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? एक्चुअली इस कहानी के पीछे, इस चीज के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए पहली बात तो अनुशीलन समिति की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा जो है सेटअप करी गई थी। यस, मिदनापुर में स्टार्ट करी गई थी 1902 में, समझ आया। फिर कैलकटा में एक ब्रांच बनी, क्लियर। फिर कैलकटा में एक ब्रांच बनती है जिसको हेड कौन करते हैं? सतीश चंद्र बासु, क्लियर। एक तो इस चीज को लीड करते हैं, और सेकंड ब्रांच कौन लीड करता है? पी मित्रा जी और जगदीश चंद्र चटर्जी, दूसरी ब्रांच को लीड कौन करते हैं? पी मित्रा, जगदीश चंद्र चटर्जी और बृंदर कुमार घोष, बिल्कुल सही, बृंदर कुमार घोष ये भी लीड करते हैं। इस साल यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस का एक एग्जाम था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाई गई है, तो काफी बच्चे सीधा सीधा उनके दिमाग में एक ही आंसर था, डेट वॉज पी मित्रा। ठीक है, उनके दिमाग में एक ही आंसर था पी मित्रा, लेकिन पी मित्रा से संबंधित सिर्फ पी मित्रा ही नहीं थे, ज्ञानेंद्र नाथ बोस ऑप्शन में था, क्लियर, ये जगदीश चंद्र चटर्जी ऑप्शन में था, मतलब उसमें क्या था, एक बंदे का नाम नहीं, तीन तीन चार चार नाम आए हुए थे। अगर आपने इतना डिटेल में पढ़ा है तब आपको पता होगा ये सतीश चंद्र बासु ऑप्शन में था, क्लियर, बृंदर कुमार घोष, पी मित्रा, ये सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर मैं बात करूं, ये तो मिदनापुर में, ये कलकत्ता में, अब बात करते हैं एक जो है ढाका में भी बनाई गई थी 1906 में, और इसके पुलिन बिहारी दास, ढाका में कौन लीड कर रहे थे? पुलिन बिहारी दास लीड कर रहे थे, क्लियर। अब अनुशीलन समिति के अंतर्गत एक पर्सन है हेमा चंद्रा इट्स काननगु, क्लियर। ये जो है बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है, अनुशीलन समिति में ये बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, इनका एक पेपर युगांतर अनुशीलन समिति का, ये एक वीकली पेपर था जिसको लीड कौन कर रहे थे? बृंदर कुमार घोष। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, क्लियर। यस, बृंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ये युगांतर पेपर को ये लीड कर रहे थे, कौन? दैट इज बृंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? यस, बिल्कुल सही। और एक चीज आपको मैं बता दूं, 1905 में इनके द्वारा एक पैम्फलेट जारी किया गया था, दैट इज भवानी जो है पैम्फलेट जारी किया गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब आ जाओ आंसर के पीछे, तो अब बता दीजिए, अब तो बहुत इजी होगा इसको टिक करना आपके लिए, क्या आंसर बनेगा? हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति। यस, हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति, टिक मारो फटाफट, करो फटाफट टिक, किसका आंसर? नहीं होगा, टिक लगेगी जब मैं लगाऊं। यस, पी मित्रा। देखो मैंने आपको कहा ना, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, ज्ञानेंद्र नाथ बोस भी दे सकते हैं, बृंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता भी दे सकते हैं, जगदीश चंद्र चटर्जी दे सकते हैं ऑप्शन में, क्लियर, पी मित्रा दे सकते हैं, तो यहां पे पी मित्रा है, क्लियर हो गया। वीडी सावरकर जी, अभी हम आपको मैंने बताया था, पूरा कहानी बता दी वीडी सावरकर जी के लिए, तो ये क्लियर होना चाहिए आंसर नंबर ए, दैट इज। चलो अगला आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मजा आ रहा है तुम लोगों को, समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है ना, करें कभी क्वेश्चन ऐसे। चलो, ये टॉप 100 ऐसी टॉप 100 नहीं है, बहुत कुछ दिमाग है, जहां पे जो ग्रीस लगी हुई है ना, मतलब जहां पे बंद हो चुकी है वहां पे ग्रीस है, ग्रीस का काम करेगी ये। चलो फटाफट बताओ,
अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात बताइए जी, कौन है यहाँ पे, मतलब पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन? यस, तुलसीदास जी की अगर मैं बात करूं 16th सेंचुरी में थे, राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो 17th सेंचुरी में थे ये, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो 18th सेंचुरी में, 1863 से आसपास 1902 तक लेके, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जो थे 1824 से लेके 1883 तक, समझ आया, 1824 से लेके 1883 तक। अब इसमें क्रोनोलॉजी लगा दो, पहले कौन आया, तो पहले तो तुलसीदास जी वन, फिर आएंगे राजा राम मोहन राय टू, वन टू बनेगा, फिर बनेंगे दयानंद सरस्वती, ये बनेगा आंसर बी ऑप्शन, 1 2 4 3 इज द करेक्ट आंसर, समझ आया, आंसर नंबर बी 1 2 4 3। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसका जो है निचोड़ ना निकालें क्वेश्चन का, तो निचोड़ तो निकालना पड़ेगा। निचोड़ क्या है, तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी रामचरित मानस, और एक कौन सी भाषा में लिखी है, अवधि भाषा में, अकबर के टाइम पे लिखी गई थी, समझ आया। राजा राम मोहन राय, राजा वर्ड जो है इनका टाइटल है, और इनको बोल राजा टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था, इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, किसने बोला था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में बोला गया था इनको, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक थी, क्लियर। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है, रेनेसा वर्ड का मतलब क्या था, रीबर्थ, पुनर्जन्म, क्योंकि सती प्रथा को खत्म करवाया था, मतलब अंग्रेजों ने खत्म किया था, बेंटिक ने खत्म किया था 1829 में, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, सती प्रथा तो खत्म कराई कराई इंग्लिश को भी सपोर्ट कर रहे थे ये, इंग्लिश को लगाया मैकॉले की रिकमेंडेशन से, बेंटिक ने लगाया 1835 में, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं, पॉइंट समझ आया। ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया, गिफ्ट टू मोनोथी, संवाद कॉमेडी, इनके पेपर, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद आ जाओ यहां पे आपके, दैट वाज दयानंद सरस्वती जी, जिनको मूल शंकर के नाम से जानते हैं, वेद भाषा भूमि, वेद भाषा पुस्तक है इनकी, वेद भाषा भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये सारी पुस्तकें हैं इनकी। गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला, इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने बोला, ठीक है। और क्या बोला था इन्होंने, स्वराज वर्ड, द वर्ड स्वराज वॉज गिवन बाय, दैट इज दयानंद सरस्वती जी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो इनके नाम पे बने हुए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, इनका ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता, और विवेकानंद का टाइटल इनको किसने दिया था, विवेकानंद का टाइटल दिया था अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने, अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने ये टाइटल आपको दिया था, समझ आया। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, 12 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। विवेकानंद जी ने क्या किया था, दैट इज रामकृष्ण मिशन, इनके गुरुजी के नाम पे, दैट इज रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे स्टार्ट किया था। और रामकृष्ण परमहंस जी को ओरिजिनल नेम क्या है, गदोदर चट्टोपाध्याय, गदोदर चट्टोपाध्याय, क्लियर। विवेकानंद जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में, और ये वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में डिस्कशन किया था, और बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड इसके इनके द्वारा यूज किए गए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए, वेदांता सोसाइटी इन्होंने बनाई, बेलूर मठ इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताओ। द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड द ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब यह है कि हाँ, कोई सोशल रिफॉर्म नहीं, सब बराबर है, ऑर्थोडॉक्स है हम, सभी धर्मों की यहां पे बात आती है, वेस्टर्न एजुकेशन दो, प्रमोट करो, सती भी खत्म करो, वेस्टर्न एजुकेशन भी प्रमोट करो, ये सारी बातें जो हैं किसके द्वारा करी गई थी, यस, सो ये करी गई थी, डेट वॉज राधाकांत देव जी द्वारा। राधाकांत देव जी ने क्या बनाया था, धर्मसभा, धर्मसभा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसमें इन्होंने बात करी थी, डेट वॉज राधाकांत देव जी द्वारा करी थी, बिल्कुल सही, राधाकांत देव जी द्वारा, बिल्कुल। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए,
गाइस बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं ऐसे ही हम प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस में, जो हमारा जीए लाइव कोर्स है उसमें डील करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, एक एक पॉइंट को लेके निचोड़ निकालना, हर चीज को कहां से कहां लिंक करना, इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? सेम क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने आपको समझाया था, सेम का सेम आंसर आ जाएगा आपका, दैट वाज राजा राममोहन राय जी। क्लियर? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, रेनेसा मतलब क्या होता है? रीबर्थ, पुनर्जन्म जिसे हम कहते हैं। और दूसरी बात हम कहें फादर ऑफ सॉरी इंडियन रेनेसा, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला गया था इनको। क्लियर? युगदूत के नाम से भी इनको जानते हैं, युगदूत, पैगंबर के नाम से भी जानते हैं, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको कहते हैं। क्लियर? फर्स्ट मॉडर्न मैन भी कहते हैं, बिल्कुल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। सो बहुत नामों से इनको जाना जाता है। क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर मैं बात करूं, इनको इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी काबुली वाला, ठीक है, और गीतांजलि, जिस गीतांजलि के लिए तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ये तो सबको पता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? दैट वाज महात्मा गांधी जी ने दिया था। विवेकानंद जी बात कर ली है, दयानंद सरस्वती बात कर ली है, तो आंसर नंबर बी, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इनको कहा जाता है। क्लियर? ब्रह्मो समाज इन्होंने स्टार्ट किया था 1828 में, 1829 में इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है सती प्रथा को खत्म करवाया था, और इन्होंने हिंदू कॉलेज सेटअप किया था बेस्ड ऑन द इंग्लिश एजुकेशन 1822 में। अतम्य सभा पहले बनाई थी, फिर इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज बनाया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए अगला आंसर बताइए। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, 800 बच्चे हैं लाइव, ठीक है, हमें क्या करना है 1000, और आज हमारा चैलेंज है अपने आप से कि 1000 को लेके आने हैं जैसे मर्जी, ठीक है। चलिए मैं भी पूरे एफर्ट लगा रहा हूं आपका कि आज 1000 बच्चे देखने हैं, क्योंकि ये सीरीज बहुत टाइम बाद मैं लेके आया हूं तो आने चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट वॉज, एनी बेसेंट क्या थी, कौन थी, मतलब क्या नहीं थी, कौन थी रिस्पॉन्सिबल स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, कि ये होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करने वाली, चलो बात करते हैं, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी बात करेंगे, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ये भी बात करते हैं। अब इसको चलते चलते दिमाग में आपके ये क्वेश्चन चलने लगे होंगे कि यार ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, वो भी आंसर होगा, वो भी आंसर होगा, लेकिन ध्यान से समझना है, एनी बेसेंट जो है पहली बात तो आयरलैंड से आई हुई लेडी है। क्लियर? और इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी, बिल्कुल स्टार्ट करी थी। एक्चुअली दो मूवमेंट होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1916 में ही स्टार्ट करी गई थी, पहली स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, दूसरी स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक जी ने हेडक्वार्टर बनाए थे महाराष्ट्र पुणे के अंतर्गत, ये स्टार्ट करी थी इन्होंने अप्रैल में, और सितंबर के आसपास करी थी इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने हेडक्वार्टर बनाए थे मद्रास अदियार, मद्रास अदियार में, ये भी पॉइंट सही है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, होम रूल मूवमेंट के या साथ ये संबंधित तो हैं। नंबर वन इज द करेक्ट वन, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, गलत, ये फाउंडर नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने ज्वाइन किया था जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आ जाती है। पॉइंट समझ आया जी? समझ आया आप लोगों को जी? जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आ जाती है तब ये ज्वाइन करती हैं, बिल्कुल सही। और थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। किसने बनाई थी? मैडम एच पी ब्लावस्की और मेजर एच एस ऑलकॉट। तो ये जो है आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इन्होंने बनाई 1875 में, 1875 में बनाई गई थी, 1875 में जब ये भारत देश में आए, क्योंकि ये जो हिंदुइज्म की चीजें हैं उनको बहुत मानते हैं, कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले ये लोग। फिर जब भारत में आते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर भी कहां पे बनते हैं? मद्रास में, मद्रास अदियार में हेडक्वार्टर बनते हैं, ये याद रखना। ये मद्रास अदियार अगेन जहां पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी। पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, यस, 1917 में कलकत्ता सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी, पहली महिला
जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस में चेयरपर्सन रही हैं, जब बनी है वो यही है, तो मतलब वन एंड थ्री क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे, वन एंड थ्री। समझ आया आप लोगों को, वन एंड थ्री इज द करेक्ट वन। समझ आ गया, बढ़े आगे। चलिए, एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने ज्वाइन किया भारत में, 1893 में आई थी, 1893 में, 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी लोकमान्य तिलक जी के साथ, अगेन सपोर्टर हैं सेल्फ रूल की, और 1914 में इंडियन वॉर, इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बोला इंग्लिश नीड्स इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों की नीड है और ये इंडिया की अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इसमें आजाद हो सकता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इन्होंने ये वर्ड यूज किए थे। पेपर में सीधी सीधी स्टेटमेंट भी आ सकती है, इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड किसके द्वारा यूज किए गए, तो आप आंसर बोलेंगे एनी बेसेंट जी द्वारा यूज किए गए थे ये। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है जी आपका, स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट को आपने कंसीडर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं माइंड में लेके आऊं, स्वदेशी मूवमेंट हमने दो बार देखा है, स्वदेशी मूवमेंट बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स की अगर मैं बात करूं, स्वदेशी मूवमेंट हमने 1905 में देखने को मिली थी जब बंगाल पार्टीशन की बात करी गई थी, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की बात करी गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पे भी बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की बात करी गई, और जो आपकी वो है दैट इज ड्रेस, नेशनल ड्रेसेस, खादी को नेशनल ड्रेस घोषित किया गया, चरखा को नेशनल सिंबल घोषित किया गया, तो उस टाइम पे ये किया गया था। लेकिन अब बात ये है कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इन चीजों की जो है आपकी स्टेटमेंट जो है कौन सी करेक्ट है। नंबर वन, इट कॉन्ट्रीब्यूट द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही, चाहे आप टेक्सटाइल की कंपनी लगा लो, आप हैंडीक्राफ्ट की कंपनी ले लो, क्लियर, यस, ये सारी जो है इवॉल्व हुई थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है उस टाइम पे आपका स्वदेशी का पार्ट बना था और ये स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन सी बनेगा, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट वन, बोथ वन एंड टू, क्लियर। तो देखिए जी, इस तरीके से चरखे को घुमाते थे और सूत को बनाया जाता था, खादी नेशनल ड्रेस घोषित करी गई थी इस तरीके से। चलिए अगला आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, इन न्यूज़पेपर्स को आपने लगाना है ऑप्शन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन क्या बनने वाला है। देखिए जी, काल, बंगाली और सुधारक, सोम प्रकाश, ये किस किस के आपके पेपर्स हैं ये आपको याद करने हैं। यस, नंबर वन, काल की अगर मैं बात कर दूं, एस एम प्रंजापे, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बनेगा वन। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट करी थी, द्वारकानाथ इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट करी थी, दैट इज द आनंद मोहन बोस के साथ मिलके, क्लियर। थर्ड आ जाओ आपका सुधारक, सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले वही पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, नंबर वन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने स्टार्ट करी थी 1905 में, क्लियर। नेक्स्ट, सोम प्रकाश दैट वॉज द्वारकानाथ, ये बनेगा तीसरा और ये बनेगा दूसरा। सो 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ए, 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समझ आ रहा है तुम्हें, मजा आ रहा है लग रही है, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार मानते थे, निकल रही है ना सबकी आज टाइम टाइम फिश हो रही है ना, कि हाँ समझ आ रहा है ना कि भाई कुछ भी आ सकता है पेपर में, ऐसे नहीं कि हाँ मतलब बस ये पढ़ लिया और हो गया, कुछ भी आ सकता है। आप लोग हिस्ट्री कुछ और ही लेवल की पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ और ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, समझ आया। चलो आंसर बताओ अगला जी, जी 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 जी, चलिए, स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय, ये एक पेपर है जी आपका स्वदेश वाहिनी, और इसको एडिट कौन करते थे, जस्ट इसका नाम याद करना पड़ेगा हमें, दैट वॉज के रामकृष्णा पिल्लाई,
के रामकृष्णा पिल्लाय इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है इधर उधर से, तो बस क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको ये। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चा कह रहा है कि वीआईपी कोड क्या है। वीआईपी कोड वो है जब जो मेरा पेड कोर्स है, जीए कोर्स, लाइव कोर्स जो है मेरा, उसको अगर आपने बाय करना है, उसमें आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसमें ले सकते हैं आप डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन देखिए जी क्या है। Who among the following was never concerned with the Indian National Congress? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के साथ, राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कोई भी संबंध नहीं रखता था, ये कौन पर्सन है, ये कौन से पर्सन है जो बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे, नेवर कंसर्न्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट वाज सर सैयद अहमद। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सर सैयद अहमद इज द करेक्ट आंसर। सर सैयद अहमद जो है ये लॉयल्टी रखते थे किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के लिए लॉयल्टी रखते थे, और इन्होंने कभी भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ नहीं दिया, ना ही उनके लिए कंसर्न इन्होंने रखा, क्लियर। और इन्होंने, सर सैयद अहमद ने राजभक्त मुस्लिम, राजभक्त मुस्लिम ये जो है ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने मैगजीन पब्लिश करी थी, समझ आया आप लोगों को जी। और इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन भी बनाई थी। ये जो एसोसिएशन है सर सैयद अहमद ने किसके साथ मिलकर बनाई थी, शिव प्रसाद के साथ मिलकर जो है ये एसोसिएशन भी बनाते हैं, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। और इनकी मैगजीन, जो इनके जो आइडियाज हैं, इनके जो इनके आइडियाज हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये एक मैगजीन में छापते हैं, दैट इज तहजीब उल अखलक, तहजीब उल अखलक के अंतर्गत जो है ये मैगजीन के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से छापते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत जो है लिखी जाती हैं, पॉइंट क्लियर। और प्लस सर सैयद अहमद वो पर्सन है जिन्होंने 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है स्टार्ट किया था, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से घोषित किया गया, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिरोज शाह मेहता जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो ये मॉडरेट्स में थे, क्लियर। हाकिम अजमल खान भी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा है। खान बहादुर अब्दुल गफार खान, ये तो आपको पता है गांधी जी जब हिस्सा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, और सीमांत गांधी जिन्हें हम कहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये तो एसोसिएट करेंगे करेंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, आंसर नंबर डी, दैट वाज सर सैयद अहमद इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, सर सैयद अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। Which of the following sessions of the Indian National Congress that Bal Gangadhar Tilak had expressed, that is Suraj is my birthright and I shall have it, मतलब Suraj मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए, तो ये कब बोला गया था, ये बोला गया था 1916 में, 1916 में इन्होंने यूज किया था, एंड दैट इज द लखनऊ सेशन, क्लियर। अब लखनऊ सेशन से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि लखनऊ सेशन में आईएनसी के चेयरपर्सन कौन थे, दैट इज एसी मजूमदार, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट भी याद कर लो, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, इसमें दो चीजें हुई थी क्या, एक तो मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट जुड़े थे, पहला हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को आपको मिली थी, यहां दो चीजें हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली, लेकिन दोनों में कंसर्न अलग है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने वाले कौन थी, दैट वाज एनी बेसेंट, एनी बेसेंट वाज अ मीडिएटर जो है, जिनके कारण मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यहां पे पहली बार आके मिले। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे वो करवाई है मोहम्मद अली जिन्ना ने, समझ आया, पहले मोहम्मद अली जिन्ना आईएनसी में है,
दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं, मुस्लिम लीग को ये ज्वाइन करते हैं 1913 में। फिर ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे इनके दूर दूर तक दिमाग नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें नहीं थी, वो तो बाद में आती हैं, लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं जैसे तैसे। क्लियर? जब मोहम्मद अली जिन्ना ये करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी करवाते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना कौन बोलता है? सरोजनी नायडू बोलती हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। ये सरोजनी नायडू वही जिन्हें हम भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर, दैट वॉज लखनऊ सेशन 1916। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1905 का बनारस सेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे स्वदेशी लॉन्च किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। कलकत्ता सेशन, दादाभाई नरोजी प्रेसिडेंट थे, यहां पे पहली बार स्वराज वर्ड यूज किया गया था, स्वराज वर्ड INC में पहली बार यूज किया गया था। समझ आया? सूरत सेशन की बात करता हूं तो मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट जो है यहां पे डिवाइड हो गए थे। मॉडरेट्स चाहते थे राज बिहारी बोस को चेयरपर्सन बनाना, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे दैट इज लाला लाजपत राय को चेयरपर्सन बनाना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? डी, दैट वॉज लखनऊ सेशन 1916 इज द करेक्ट वन। चलिए अगला बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जी क्या पॉइंट है आपका। इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है आपकी। ये स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग? दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी इसमें सही है। चलिए जी फटाफट आंसर देखिए क्या है। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन सरोजनी नायडू थी? नहीं, सरोजनी नायडू पहली वुमेन नहीं थी, एनी बेसेंट थी पहली वुमेन। क्लियर? सरोजनी नायडू पहली इंडियन थी। क्लियर? जो 1925 में कानपुर सेशन में चेयरपर्सन बनी थी, एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन में 1917 में बनी। तो पहला ऑप्शन गलत, जब पहला ऑप्शन गलत हो गया ना, तो पहला ऑप्शन गया और सी ऑप्शन गया, मतलब बी या डी में आंसर है इसका। क्लियर हो गया? अब दूसरा पॉइंट देखो जी क्या बनेगा आपका। यस, सीआर दास वॉज इन प्रिजन वेन ही फंक्शन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल सही, सीआर दास जो है जेल में थे जब इन्होंने एज ए प्रेजिडेंट की बात करें तो ये प्रेजिडेंट बने गए थे। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1921 का सेशन एक्चुअली क्या था, 1921 का सेशन था, अहमदाबाद सेशन था। उस अहमदाबाद सेशन में इनको जेल हो गई थी, नॉमिनेशन इनकी थी, लेकिन फिर उनके बाद जो है हाकिम अजमल खान को चेयरपर्सन बना दिया गया था। ये हमने पढ़ा था ना अभी, हाकिम अजमल खान जो है वो लिंक करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, बिल्कुल लिंक करते थे यहां पे। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। तीसरा पॉइंट देखिए, तो दूसरा पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस वॉज द A.O. ह्यूम। गलत हो गया, A.O. ह्यूम को हम बोलते हैं फादर ऑफ INC, INC को बनाने में योगदान, लेकिन पहला अंग्रेज चेयरपर्सन कौन बना था? दैट वॉज जॉर्ज यूल। कब? अलाहाबाद सेशन में। अलाहाबाद सेशन 1888 का सेशन था, 1888 का। तो ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894। यस, मद्रास सेशन था आपका ये, तो इसमें आपके प्रेसिडेंट थे ये। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट वन, सेकंड एंड फोर। समझ आया आप लोगों को जी? सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, मद्रास सेशन। करें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने आज की एक्सप्लेनेशन में सही बताया था आपको कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टार्ट करी है, लेकिन आपको ईयर बताना था ईयर कौन सा है। लेकिन इस सोसाइटी के साथ बहुत सारे जो हैं पर्सन इन्वॉल्व है, जैसे B.N. राव की अगर मैं बात करूं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, ठीक है, और पंडित एच एन कुंजरू भी इसमें पार्टी में इन्वॉल्व है, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में इन्वॉल्व है। MC सेटावेल्ड जो के पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे, भारत के महान्यायवादी बने थे। क्लियर हो गया आप लोगों को? G.K. द्योदर, ये पर्सन जो है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व है आपके। क्लियर? श्रीनिवास शास्त्री ये पर्सन इन्वॉल्व है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे पर्सन जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में इन्वॉल्व है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये कब बनी थी? तो डैट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1905।
जब इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया था, जब वो हुआ था, डेट वॉज बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी आंदोलन, तब इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी, लेकिन उसमें ये सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं। पेपर में आपको कोई भी नाम आ सकता है, तो ये याद रखना, बी एन राव, एच एन कुंजरू, एम सी सेटावेल, जी के देवधर, श्रीनिवास शास्त्री। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन अगर तुमने नहीं बताया ना तो ये लगेंगे तुम्हारे, समझ आया, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में अभी स्टार्ट किया था मैंने। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज, इन ऑप्शन में दिखाओ, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ जी, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। देखिए स्वराज वर्ड के मैं कहानी बता देता हूं आपको, इसका आंसर लिखने पहले, स्वराज वर्ड की कहानी क्या है। देखिए स्वराज वर्ड की अगर मैं बात करूं, स्वराज स्वराज्य, ये दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है। उसके बाद 1906 कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में आईएनसी के दादाबाई नरोजी यूज करते हैं। फिर 1916 में स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये कौन बोलते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट वॉज बाल गंगाधर तिलक जी। 1 जनवरी 1923 1st Jan 1923 स्वराज पार्टी बनती है आपकी, दैट इज बाय द सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी हैं, सी आर दास आपके प्रेसिडेंट हैं, क्लियर। उसके बाद पूर्ण स्वराज की बात होती है 1929 लाहौर सेशन में, क्लियर। तो ये पूरी स्वराज की कहानी है। अब इसमें जिस तरीके से पेपर में आया क्वेश्चन, उस तरीके से टिक कर देना है। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज, इनमें से कौन सा लीडर है जिसने स्वराज वर्ड यूज किया था पहली बार, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बाल गंगाधर तिलक जी को ही लगाएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी के पेपर लिख लीजिए। एक तो है आपका मराठा, ये इंग्लिश भाषा में था, एक था केसरी, एंड केसरी वॉज इन केसरी वॉज इन द मराठी भाषा, समझ आया आप लोगों को। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करता हूं, इनकी ऑटोबायोग्राफी, दैट इज माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी, समझ आया। लाला लाजपत राय जी की बात करें, यंग अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं इनको। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इनकी पुस्तक जो है ऑटोबायोग्राफी, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी, समझ आया। तो आंसर नंबर ए। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एक पर्सनैलिटी के ऊपर मैं अगर बोलना स्टार्ट करूं तो ये पूरा लेक्चर भी खत्म हो सकता है एक पर्सनैलिटी के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन का दायरा देखते हुए हम उसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करते होते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चली जाए। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए, यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा था, यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी वी एस अय्यर, एम एन रॉय, ये कौन है पर्सन, ये कौन पर्सन है जी, ये कौन पर्सन है इनमें से, मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी वी एस अय्यर एंड एम एन रॉय, ये कौन पर्सन है इनमें से, कॉमन चीज क्या है इनमें से। ऑल ऑफ देम वर लीडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट, गलत, कम्युनिस्ट इनमें सिर्फ और सिर्फ एम एन रॉय है। All of them were accused in the case of Lord Harding II. Lord Harding II टू के ऊपर जब बम फेंका गया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, नहीं। All of them were being the prominent revolutionaries outside India operating in the different countries during the freedom movement. ये बिल्कुल सही है। M. Barkatullah was the prime minister, was the, नहीं ये गलत है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। मैडम बीकाजी कामा आपको पता होगा प्राइवेट सेक्रेटरी, किनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, दादाबाई नरोजी जी की। इन्होंने तो स्टटगार्ट में जर्मनी में पहली बार तिरंगा भी लहराया था 1907 में जर्मनी में। और दूसरी बात अगर मैं बात कर दूं बरकतुल्ला, बरकतुल्ला जो है ये पैन इस्लामिक मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। बीबीएस अय्यर की अगर मैं बात करता हूं और चिदंबरम पिल्लाई की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भारत देश में तमिलनाडु से साथ दिया है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए। एम एन रॉय जो है महेंद्रनाथ रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था और प्लस सीपीआई पार्टी बनाई थी उज्बेकिस्तान के अंतर्गत कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ जो है जुड़े हुए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताओ,
हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन को किसे किसने बोला था, जब किसकी कौन जाना जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से, एंड दैट वॉज मैडम भिकाजी कामा. तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर. मैडम भिकाजी कामा को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो दादाभाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी, दूसरा इन्होंने स्टटगर्ट जर्मनी में तिरंगा लहराया था, और ये सरदार राणा के साथ मिलके जो भारत में स्मगल करती थी बारूद वगैरह, पैम्फलेट्स वगैरह, ये भारत में आते थे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर. मैडम भिकाजी कामा, दिस इज इंपॉर्टेंट. एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी, इसके इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सरोजिनी नायडू जी के बारे में पढ़ चुके हैं. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, पहली भारतीय महिला जो है आईएनसी की चेयरपर्सन, और प्लस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेन सेक्शन में रिप्रेजेंट किया था इन्होंने. जब गांधी जी ने सिविल डिसोबिनेंस मूवमेंट सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था, तो उसमें जो लेडी पार्टिसिपेट कर रही है सरोजिनी नायडू जी हैं. तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर डी, क्लियर. मैडम भिकाजी कामा इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस, ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और ये सेक्शन पार्ट सेकंड जल्दी ही आएगा. लेकिन उसको इसको खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. प्लस जो हमारे पेड कोर्स आते हैं स्टडी आईक्यू ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलते हैं, जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब चीजें. एक हमारा आता है 10,000 एम्स की कोर्स, जिसमें आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स सेक्शन में देखने को आपको मिल जाएगा. व्यू ऑल करके आपको दिख जाएगा 10,000 एम्स की कोर्स. और अगर आप मेरे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ना चाहते हैं थ्योरी की, कि हाँ अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए, कहां से क्या क्या चीजें लिंक करती हैं, तो आप उसके लिए जीए का कोर्स, लाइव कोर्स जो है ले सकते हैं. ये लाइव कोर्स जो है हमारा 25 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एडमिशन होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको एडमिशन कर सकते हैं हमारे जीए लाइव कोर्स के अंतर्गत, क्लियर. और ये जस्ट लॉन्च के बटन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, समझ आया. और जो जीए लाइव कोर्स होगा वो उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, 300+ आवर्स लाइव क्लास मिलेगी, 5 दिन हफ्ते में क्लास होगी, 2.5 घंटे क्लास होगी आपकी, ये 6 से 8:30 बजे तक, रात को, शाम को मतलब. डाउट सेशन मिलेंगे सैटरडे क्लास को, और 7वें दिन वीकली टेस्ट होगा, सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और प्रॉपर तरीके से जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है एक टेस्ट मिलेगा आपको पूरे सेक्शन का, तो कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है. और प्लस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्लियर. और ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से मिलेगा. और ऑलरेडी अगर आपने हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स मेरे से परचेज किया हुआ है, तो आपको मुझे मैसेज करना है, आप मुझे मैसेज करना, स्क्रीनशॉट भेजना कि हाँ आपने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है, तो आपके लिए एक एडिशनल कोड है जिससे आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा. जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पहले रहे हैं, जहाँ मतलब जो मेरे कोर्स परचेज किया हुआ है, और आपको करना क्या है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से. मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं. यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है, यहाँ पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा. फेसबुक के ऊपर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. कोई पेपर हो, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, क्लियर. सो गाइस, ये हमारी चीजें हैं, ये हमारा कोर्सेज है दोनों जो मैंने आपको बता दिए हैं. सो थैंक यू सो मच. और इस सेक्शन को जो पार्ट सेकेंड आएगा, पार्ट सेकंड में हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, और ये कोर्सेज आप दोनों देख सकते हैं जो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. अगर आपको थ्योरी आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स सीधा बाय करें. अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पढ़ना है, बिगिनर हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपको लाइव कोर्स आपको जरूर लेना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है. सो बस ये चीजें हैं, आप पढ़ें, अपनी तैयारी कीजिए. कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, जो लाइव कोर्स होगा वो 5 मंथ्स लेंगे हम, 5 मंथ में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, देखिए ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाली बात तो जैसे मर्जी कर लो, लेकिन इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको. इसमें स्टेट पीसीएस की चीजें, जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, सीडीएस सीपीएफ के बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो एपीएफओ का पेपर आता है वो पढ़ सकते हैं, और एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट एग्जाम बहुत सारे हैं जहाँ पे जनरल स्टडीज का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है. जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, और उड़ीसा की बात करता हूँ, यूपी की बात करूँ, आपके बिहार की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पे जनरल स्टडीज बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत सारे इंडिया के ऐसे एग्जाम है जिसमें मेरे को भी नहीं पता होगा, जनरल स्टडीज उसमें बहुत ज्यादा आता है. ये ऐसे एग्जाम्स हैं डेली, मतलब स्टेट के एग्जाम ही इतने ज्यादा हैं जहां पे जनरल स्टडी बहुत आता है, तो उसमें आपको ये कोर्स हेल्प करेगा. कोई भी डाउट होगा आप लोगों को,
जी कोई भी डाउट होगा, किसी टाइप का भी डाउट है ना, तो आपको मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल होता हूँ। आप टेलीग्राम के ऊपर मैंने मैसेज शेयर किया हुआ है कि आप मुझे कहाँ मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कोई मेल कर सकता है अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी टाइप का, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है कि यूट्यूब के ऊपर फटाफट फटाफट धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो है आपके मैसेज आते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। यस, काफी बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो माध्यम क्या होगा, जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसी तरीके का माध्यम होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों माध्यम से इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। जी सीजीएल, देखिए एक बच्चा कह रहा है सीजीएल की प्रैक्टिस के लिए, अगर आपकी थियरी स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल जीरो हो आप, थियरी में बिल्कुल पता नहीं है, तो थियरी कोर्स ले लीजिए। अगर आपको पता है, पढ़ाई पढ़ी करी हुई है, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू कोर्स परचेज करो, ठीक है जी। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा यार, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एंड में जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से ऐसे डिस्कस किया जाएगा, और ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।